हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल एक्सीलेंट इंग्लिश जोन। तो आज हम फिर मिलते हैं एक और नए टॉपिक के साथ, जो 11th क्लास के यूपी बोर्ड का शॉर्ट स्टोरी का फर्स्ट लेसन है, जिसका नाम है पेनपाल। पेनपाल रिटन बाय जी श्रीनिवास राव। तो देखिए, जो जी श्रीनिवास राव हैं वो एक इंडियन राइटर हैं। देखिए, है ना, इंडियन राइटर। तो देखिए, ये इंडियन राइटर जी श्रीनिवास राव की एक ऑटोबायोग्राफिकल स्टोरी है, खुद की एक कहानी है, खुद का एक अनुभव है, जो इस लेसन पेनपाल में वो एक्सप्रेस करते हैं। तो बहुत ही इंटरेस्टिंग लेसन है, और आज का टॉपिक जो है, लेसन जो है, बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है। तो केयरफुली इसको पढ़िए और सुनिए। देखिए, पेनपाल, पेनपाल होता है पत्र मित्र, पत्र मित्र, जिसे हम कहते हैं फ्रेंड एक तरह से, लेकिन ऐसा फ्रेंड जो पत्र के द्वारा, लेटर्स के द्वारा होते हैं, लेटर्स का करेस्पॉन्डेंस होता है, लेटर्स का आदान प्रदान होता है, वो होते हैं पेनपाल। तो ये उस समय की बात है, लेखक के समय की बात है, जब उन दिनों जो ये पेनपाल रखना है वो एक फैशन था, शौक था, और जब लेखक स्टूडेंट था तो सभी के पास, मोस्टली उसके फ्रेंड्स जो थे उन सभी के पास पेनपाल थे, पत्र मित्र थे। देखिए, थोड़ा सा पहले हम इससे समझते हैं, फिर उसके बाद पूरी स्टोरी, शॉर्ट स्टोरी ऑफ द लेसन, लेसन की शॉर्ट स्टोरी, शॉर्ट समरी क्या है। देखिए, दिस स्टोरी इज एन ऑटोबायोग्राफिकल स्टोरी। यह कहानी जो है वो ऑटोबायोग्राफिकल स्टोरी है, आत्मकथात्मक कहानी है। किसकी? जी श्रीनिवास राव की कहानी है। हु वॉज एन इंडियन राइटर, जो एक भारतीय लेखक हैं। हाँ, और ये लेखक तो बाद में हुए, इसके पहले ये बहुत ही फेमस इंग्लिश के और इकोनॉमिक्स के फेमस टीचर थे, इसके बाद इन्होंने ये राइटिंग शुरू किया है। तो देखिए, ये बहुत ही फेमस टीचर थे और इंडियन राइटर हैं थे। तो इन दिस स्टोरी, इस कहानी में वो क्या बताते हैं, देखिए, इन दिस स्टोरी ही टेल्स हिज एक्सपीरियंस। वो हमें क्या बताते हैं, अपना एक्सपीरियंस, अनुभव बताते हैं, व्हेन ही वाज 20 ईयर ओल्ड कॉलेज स्टूडेंट। कहते हैं कि जब वो 21 साल का कॉलेज स्टूडेंट था, कॉलेज का स्टूडेंट था, मतलब पढ़ता था, 21 ईयर्स का था, तो ही सॉ हिज फ्रेंड्स, वह अपने फ्रेंड्स को देखता था, हैविंग पेनपाल, क्या रखते हुए, पेनपाल, पत्र मित्र रखे हुए देखता था, मतलब हर एक मित्र के, मोस्टली उसके फ्रेंड्स के पेनपाल होते थे, इन फॉरेन कंट्रीज, कहाँ, इंडिया के, इंडिया में नहीं, बल्कि इंडियन उसके फ्रेंड्स थे और फॉरेन कंट्रीज में उनके पेनपाल थे, पत्र मित्र थे। सो ही टू चूज द एड्रेस ऑफ लेडी, सबको देख कर उसने भी चाहा, सोचा कि उसका भी कोई पेनपाल होना चाहिए, इसलिए उसने एक मैगजीन से, बॉम्बे मैगजीन से, उसने एक एड्रेस चूज किया, एक लेडी का, नेम्ड एलिस, जिसका नाम एलिस था, फ्रॉम लॉस एंजल्स, कहाँ की थी वो, अमेरिका की थी, लॉस एंजल्स अमेरिका की थी। ही रोट हिज फर्स्ट लेटर टू हर, उसने उसको अपना फर्स्ट लेटर लिखा, किस पर, ऑन अ पिंक सी, बहुत इंपॉर्टेंट शॉर्ट आंसर बनते हैं इसमें, कि व्हाई डिड द राइटर बाय द पिंक सीट, या व्हाई डिड द राइटर राइट द लेटर ऑन पिंक सीट। तो देखिए, ऑन अ पिंक सीट पर पत्र लिखा, ऑफ कॉस्टली राइटिंग पैड, महंगा सा राइटिंग पैड खरीदा, किस लिए, टू मेक हर हिज पेनपाल, उसे अपना पेनपाल बनाने के लिए। तो लेखक ने भी अपने पत्र मित्र चुनने के लिए उसने मैगजीन से एक एड्रेस चुना, और उसका, उसके लिए पिंक लेटर पैड खरीदा महंगा सा, और उस पर उसने उसे मित्र बनाने के लिए, इंप्रेस करने के लिए पत्र लिखा। एलिस एक्सेप्टेड हिज फ्रेंडशिप, एलिस ने उसकी फ्रेंडशिप एक्सेप्ट कर ली, और मतलब पेनपाल हो गए दोनों, एक दूसरे के पत्र मित्र हो गए, बट नेवर टोल्ड हिम अबाउट हर मोर, लेकिन उसने लेखक को अपने बारे में कभी ज्यादा कुछ नहीं बताया। द ऑथर वॉन्टेड टू नो हर एज,
ऑथर ने, क्योंकि उससे फ्रेंडशिप की थी, तो वो उसकी एज जानना चाहता था, उम्र जानना चाहता था, बट इट वॉज इम्पोलाइट, लेकिन ये अशोभनीय था किसी से टू आस्क फॉर हर एज, किसी से उसकी एज पूछना शोभा नहीं देता है, अशोभनीय था। सो इसलिए उसने क्या किया, सी आस्क्ड हर फॉर सेंडिंग हिम हर फोटोग्राफ, उसने उससे कहा कि वह उसे अपनी फोटोग्राफ सेंड कर दे। मतलब उसने, लेखक ने उससे, एलिस से उसकी फोटोग्राफ मांगी ताकि वो ये आइडिया लगा सके कि वो एलिस कैसी दिखती है, क्या उसकी एज है। उसने फोटोग्राफ मांगी बट एलिस रिफ्यूज, लेकिन एलिस ने क्या कर दिया, रिफ्यूज, मना कर दिया, शी ये कहकर मना कर दिया कि सी हैड नो फोटोग्राफ नाउ। उसने ये कहकर मना कर दिया कि उसके पास अभी कोई फोटोग्राफ नहीं है, और सी डिड नॉट वांट टू डिसअपॉइंट हर पेन पाल। वह अपनी पेन पाल को, पत्र मित्र को डिसअपॉइंट नहीं करना चाहती थी। क्यों उसने फोटो देने से मना कर दिया, क्योंकि वो उसे निराश नहीं करना चाहती थी। टेलिंग अबाउट हर एज, अपनी उम्र के बारे में बताकर, वो अपनी एज उसे नहीं बताना चाहती थी, क्योंकि बिकॉज सी वॉज ऑलरेडी एन ओल्ड लेडी, क्योंकि वह ऑलरेडी एक बूढ़ी महिला थी, और वो पेन पाल को, अपने पेन पाल को दुखी नहीं करना चाहती थी अपनी एज बताकर, क्योंकि वो उसके साथ खुश थी। मतलब उसकी से फ्रेंडशिप करके वो खुश थी, क्योंकि वो अकेली महिला थी, बहुत ही दयालु महिला थी। तो देखिए, थोड़ा सा और डीप समरी हम इसकी देखते हैं। जैसा कि हमने पढ़ा इसमें शॉर्ट समरी में, कि जो लेखक है, ये जो स्टोरी है, ये ऑटोबायोग्राफिकल स्टोरी है, आत्मकथात्मक कहानी है, क्योंकि इसमें लेखक अपना खुद का अनुभव व्यक्त कर रहा है। तो देखिए होता क्या है कि जब ये 21 ईयर का एक कॉलेज स्टूडेंट था, तो ये अपने फ्रेंड्स को देखता था कि इसके जो फ्रेंड्स थे उनके पास है, विदेशों में, फॉरेन कंट्रीज में पेन पाल हुआ करते थे। बाई ईयर जो मतलब हवाई जहाज के द्वारा मोटे मोटे वॉल्यूम्स आते थे, मोटे मोटे जो लिफाफे आते थे जिसमें पत्रिकाएं, मैगजीन्स और गिफ्ट्स भरे होते थे, तो इसके मन में भी, लेखक के मन में भी विचार आया कि क्यों ना वो भी अपना पेन पाल चुने। इसलिए वो एक बॉम्बे मैगजीन से एड्रेस चुनता है जो LSH का होता है, जो अमेरिका के लॉस एंजल्स में रहती है। तो जब ये पत्र लिखता है तो इतना डरता है, इतना कांपता है, जैसे तैसे थोड़ा छोटा सा एक पत्र लिखकर पूरा करता है, और उसे जब ड्रॉप करता है, पोस्ट मेल बॉक्स में डालता है, तो ऐसे महसूस करता है जैसे कोई बंदूक से निकली हुई गोली का सामना कर रहा हो, इतना नर्वस होता है। लेकिन जब उसका रिप्लाई आ जाता है, मतलब एलिस लिखती है कि मैंने तो किसी पेन पाल के लिए कोई एड्रेस नहीं दिया है, वो गलती से तुम्हारे यहाँ की पत्रिका में आ गया होगा, लेकिन अगर तुम मुझे अपना पेन पाल रखना चाहते हो, बनाना चाहते हो, तो आई एम रेडी, मुझे कोई ऑब्जेक्शन नहीं है, मैं तुम्हारी पेन पाल बनने के लिए तैयार हूँ। इस तरह से एलिस उसकी पेन पाल बन जाती है, और दोनों एक दूसरे के पेन पाल बन जाते हैं, पत्र मित्र बन जाते हैं, और उनकी ये मित्रता चलती रहती है। दोनों एक दूसरे को पत्र भेजते हैं, शुभकामनाएं भेजते हैं। एलिस धनी थी, क्योंकि उसके यहाँ से बहुत अच्छे अच्छे उपहार लेखक को आते थे, लेकिन हमेशा लेखक के मन में एक बात रहती थी कि आखिर एलिस लगती कैसी है, क्या उसकी एज है, लेकिन उसमें कभी साहस नहीं हुआ कि वह उसकी एज पूछ सके। एक बार बड़ी हिम्मत करके उसने उससे फोटोग्राफ मांगा ताकि वो उसकी एज का आइडिया लगा सके, लेकिन एलिस ये कहकर मना कर देती है कि उसके पास अभी कोई फोटोग्राफ नहीं है। अब एलिस अपनी फोटोग्राफ क्यों नहीं भेजती थी, बड़े बड़े लेटर्स लिखती थी, लेकिन अपने बारे में कुछ क्यों नहीं बताती थी, क्योंकि वो ऑलरेडी ओल्ड थी, बूढ़ी थी, तो वो नहीं चाहती थी कि वो उस अपने पत्र मित्र को दुखी करे, इसलिए उसने अपना भेद उसे अब कभी नहीं बताया। उसने ये कहकर डाल दिया कि कुछ दिनों में वह अपनी फोटोग्राफ भेज देगी, और इस तरह से कई साल चलता रहता है, सालों बीत जाते हैं, लेखक की शादी हो जाती है, परिवार हो जाता है, जॉब हो जाती है, और उनकी पत्र मित्रता चलती रहती है। लेकिन लेखक और लेखक की फैमिली एलिस से अक्सर मिल मतलब हमेशा ये सोचती है कि वह उससे मिलना चाहते हैं, लेकिन
बस ऐसे ही चलता रहता है पत्र द्वारा। एक बार एक मैसेज आता है, एक लिफाफा आता है जो एलिस की राइटिंग से नहीं था बल्कि किसी और की राइटिंग से था। जब वो लिफाफा को खोलते हैं तो उसमें एलिस की फोटो निकलती है और उसमें एक छोटा सा नोट लिखा होता है कि मैं एलिस की एक बेस्ट फ्रेंड हूँ, वो अक्सर तुम्हारे बारे में मुझे बताया करती थी और उसने मुझसे कहा था कि जब जब मैं मर जाऊं तो मेरे पत्र मित्र तक ये सूचना और ये फोटो पहुंचा देना। और इस तरह से उसमें लिखा है कि वो 78 साल की हो गई थी इसलिए स्पीडिंग कार को नहीं देख पाई और जब वो शॉपिंग करने गई तो एक्सीडेंट में उसकी डेथ हो गई। तब लेखक को पता चलता है कि एलिस 78 की है, तो मतलब जब उसकी फ्रेंडशिप शुरू हुई थी तब भी वो काफी एज की हो गई थी लेकिन उसने उसको अपनी एज नहीं बताई। तो लेखक कहता है कि वो जो तस्वीर थी एलिस की बहुत ही सुंदर थी और एक दयालु चेहरा, मतलब जंगस थी और अकेली महिला थी और वो कभी किसी को उदास नहीं करती थी, निराश नहीं करती थी, वो एक काइंड लेडी थी जिसकी तस्वीर वो लोग देखते हैं। तो इस तरह से लेखक कहता है कि एक अनुभव, कभी-कभी छोटी-छोटी चीजें बड़े अनुभव की ओर ले जाती हैं और ये जो लेसन है पेनपाल, ये लेखक का एक बहुत बड़ा अनुभव है जो 21 इयर्स से शुरू होता है और उसका कम से कम ओवर 50 तक चलता है ये अनुभव। तो वो कहता है कि कभी-कभी जीवन में ऐसी-ऐसी घटनाएं हो जाती हैं जो छोटे-छोटे अनुभव बड़े-बड़े अनुभव में बदल जाते हैं। तो ये लेसन है आपका पेनपाल की जो समरी मैंने बताई है जिसमें आपने राइटर जी श्रीनिवास राव और लेख और जो एलिस उसकी पेन फ्रेंड थी एलिस के बारे में आपने पढ़ा कि किस तरह से इनकी मित्रता होती है और ये मित्रता कब तक और कैसे चलती है। तो आज की ये समरी पूरी हुई इस लेसन की। नेक्स्ट लेक्चर में मैं इसकी डिटेल स्टडी लेकर आऊंगी। आज के लिए इतना ही। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं और अगर